आसनों के नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक सेहत के साथ वजन को भी तेजी से कम किया जा सकता है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ऐसे लोगों की धारणा है कि आसनों के अभ्यास से तेजी से वजन कम नहीं हो सकता है। शायद इसीलिए लोग बाग जिम जाते हैं या कहीं और जाते हैं, पर यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं 25 साल से क्लास ले रही हूँ और मैंने अच्छी तरह देख लिया है कि जो लोग वजन कम करने आए उनका वजन भी कम हुआ, और जो शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आए स्वास्थ्य में भी सुधार आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। वजन कम करने के लिए आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपसे बोला जाता है आहार में ये लेना है, वो लेना है, इतनी बार लेना है, इतना लेना है, तो वहाँ भी खाने पीने का तो प्रतिबंध है ना। तो हम आसनों में भी यही कहते हैं कि आपको फल सब्जी सलाद ज़्यादा लेना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है, शाम को 6:30 के बाद नहीं खाना है, आप फल सब्जी सलाद का भरपूर सेवन करें और कोल्ड फूड की दोपहर में खाएं। इतना करेंगे तो वजन कैसे कम नहीं होगा। हाँ, मीठी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, ये सब चीज़ें तो हम लोग मना करते हैं, सभी मना करते हैं, क्योंकि मना नहीं करेंगे तो वजन कम नहीं होगा। और इस लेकिन और चीज़ों से शारीरिक और मानसिक सेहत पर इतना बड़ा असर नहीं आएगा जितना आसनों के अभ्यास से आएगा। तो आज मैं आपको बताऊं, अगर वजन कम करना चाहते हैं तो वजन में कम करने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि तेज गति से किया हुआ सूर्य नमस्कार, पहला अभ्यास यही होना चाहिए जिसमें पूरे शरीर को खिंचाव मिलेगा। और ये भी मानसिक सेहत के लिए तो है, यह कार्डियो एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, ये आपके लंग्स और हार्ट को भी हेल्दी रखेगा। तेज गति से किया गया सूर्य नमस्कार जो सांसों के साथ ही करना है, वो मैं आपको वीडियो की लिंक डाल दूँगी, उसमें आपको दो डालूँगी, एक धीमी गति से एक तेज गति से। धीमी गति को देख के आप सीख सकते हैं और तेज गति वाला अभ्यास से आप बढ़ा सकते हैं उनका फास्ट करने का तरीका। तो ये आपको एक उसमें से देख के सीखना पड़ेगा। बाकी मैं आपको केवल चार आसन बताने वाली हूँ। इन चार आसनों का सूर्य नमस्कार के साथ तेज गति से अभ्यास करेंगे तो वजन तेजी से कम होगा और पहले महीने में ही रिजल्ट मिलेगा, बशर्ते कि आप खाने का भी साथ में देख रहे हो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैंने आपको पहले बोल दिया सारे खट्टे फल, जूसी फल और पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जी सलाद और ये सूप और लिक्विड डाइट छाछ ये भरपूर ले आप, भूखे नहीं रहना है। लेकिन कुक्ड फूड केवल दोपहर में खाना है, शाम को सब्जी सूप सलाद अगर आपको तेजी से वजन कम करना है, वरना आप शाम का खाना 6:30 बजे खा लीजिए, रोटी सब्जी कोई मना नहीं है, धीमी गति से तब भी होगा। तो चलिए, आपको क्या कौन से चार आसन है मैं ये बता रही हूँ। सबसे पहले अपनी जगह पर आप खड़े हो जाएंगे। आपने देखा मैं बिना टेक लगाए बिना सहारा लिए आराम से खड़ी हो गई हूँ। आज मैं 70 साल हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन आसनों की बदौलत, और मैं आज सिखा रही हूँ 25 साल से। तो जो भी कोई करेगा सब स्वस्थ रहेंगे ऐसे ही। आपको तेज गति से सूर्य नम ये पाद हस्तासन करना, ये आपके पेट और बैक के मतलब फैट को कम करेगा। सांस भरते हुए उठाएं, आउट, सांस छोड़ें, सांस भरें, ऐसा 10-10 के 4 राउंड करने हैं। इसे द्रुत गति से किया गया पाद हस्तासन कहते हैं। तो ये एक अभ्यास है। उसके बाद दूसरा अभ्यास में पेट के बल लेट के धनुरासन स्विंग बता रही हूँ, लेकिन हार्निया की शिकायतों को ये न करें। और पाद हस्तासन भी कमर दर्द वाले पांव फैला के करेंगे अगर कमर दर्द है। देखिए, इसको पकड़ा, इस गति से आपको स्विंग करना है। शुरुआत में 10-10 के 2 राउंड। मैंने एक बच्ची का पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था और अच्छे से उसका बिल्कुल फ्लैट कर दिया था, कि वो 4 महीनों में बहुत बड़ा पेट निकला हुआ होने के बावजूद बिल्कुल फ्लैट, पर ये मैंने 10-10 के उससे
4-5 राउंड रोज करवाते हैं। शुरुआत में प्रैक्टिस में तो आप दो ही कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो अभ्यास है, तेज गति से किया गया द्रुत हलासन। इसको कैसे करेंगे? देखिए हलासन तो बस आप ऐसे करते हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या है, आपको गति देनी है। गति के कारण ही वजन तेजी से कम होता है। ये रहा, विदाउट ब्रीदिंग, विदाउट ब्रीदिंग पांव उठाते हुए घुटना सीधा लाएंगे, जमीन पर लगाया, सीधे ले गए, फिर से लगाए, सीधे ले गए। ये भी 10-10 के शुरुआत में आपको दो राउंड करने हैं। हाँ, कमर दर्द सर्वाइकल हो तो मत करिएगा, बाकी सब कर सकते हैं। और बहुत तेजी से बैक के फैट को, पेट के फैट को, थाइस के फैट को, सबको कम करेगा। इसके बाद मात्र मैं अब एक आसन और बोलूंगी जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक सेहत को सुधारता है, सौंदर्य भी देता है, आंखों को, बालों को, सबके लिए अच्छा है। वैसे तो देखिए शीर्षासन बेस्ट आसन है, पर तो शीर्षासन सब नहीं कर सकते, तो मैं आपको सर्वांगासन करके दिखा रही हूँ। मैं शीर्षासन करके दिखाऊंगी, मगर सिखाने के लिए आपके लिए सर्वांगासन। बस अगर कमर दर्द सर्वाइकल हो तो इसको इतना नहीं उठाएंगे, फिर आप बस इतना उठाएंगे ऐसे। ये उनके लिए जिनको सर्वाइकल और कमर दर्द हो, और नहीं तो आप पूरा ऐसे उठाए और ये सीधा उठा दे, फैला दे। इस पोज में 2 मिनट कम से कम और मैक्सिमम 5 मिनट तो रुक सकते हैं, तो रुकिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस ये 4 आसन मैंने बोला है, मगर जिनको शीर्षासन आता है तो वो शीर्षासन करेंगे तो इस आसन के बजाय वो और अधिक को कॉन्फिडेंस भी देता है और शारीरिक लाभ में तो बहुत बढ़िया है। इनके अभ्यास से कभी माइग्रेन नहीं होता है। ये देखिए शीर्षासन में करके दिखा देती हूँ, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि अगर जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें, और नहीं तो सर्वांगासन किसी भी रूप में मैंने 2 तरीके से करके बताया, आप कर सकते हैं, आपको सभी वो लाभ मिलेंगे जो मैंने बोला है। वजन भी तेजी से कम करेंगे। तो फिर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, शेयर खूब कीजिए, मोटापे से ग्रस्त बच्चे से लेके बड़े तक सब हैं। और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।